हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज़ डेली न्यूज़ एनालिसिस। डेली हम 9 PM पे करते हैं। सो जो भी स्टूडेंट आपके अभी ऑनलाइन है वो एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम हमारा जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रिंस। गुड मॉर्निंग प्रभा। चलिए कुछ स्टूडेंट्स को और आने देते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। राइट, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आई एम सिलेक्टेड डबल ओ फ्रॉम सीजीएल 2016 बैच। आई हैव रिटन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस मेंस एंड टीचिंग एट अन अकेडमी। राइट, चलिए न्यूज़ हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। सबसे पहले जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे। हाँ, आई एम गुड। चलिए चलिए सो स्टार्ट करते हैं। एक दो स्टूडेंट्स को और आने देते हैं जो रेगुलर हैं, विग्नेश, मनीष एंड ऑल। हेलो विग्नेश। चलिए गुड एनफ टू गो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड हैज बीन नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसको दिया है? हेलो विकी, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने वर्ड ऑफ द ईयर 2019 किसको दिया है? क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट डिनायल, क्लाइमेट इमरजेंसी, ये आपको बताना है किसको वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बोला गया है। प्रिंस कह रहे हैं क्लाइमेट इमरजेंसी। यस, बिल्कुल करेक्ट है। क्लाइमेट इमरजेंसी जो है उसको वर्ड ऑफ द ईयर 2019 बोला गया है। यस विग्नेश, करेक्ट आंसर इज क्लाइमेट इमरजेंसी। राइट, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हु हैज बीन क्राउंड मिस्टर यूनिवर्स 2019? चत्रेश नातेशन, प्रशांत सोलंकी, संग्राम चौगुले, सुहास खामकर। जब आप आंसर बताएं तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दें ताकि मुझे पता चलता रहे कि किसका आप आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए सेकंड का जो आंसर आपको बताना है।
चैत्रेश नातेशन, प्रशांत सोलंके, संग्राम चौगुले, सुहास खामकर। नो, द करेक्ट आंसर इज चैत्रेश नतेशन। चित्रेश नतेशन इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड का ए। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड एज इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज? इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसको मिला है? इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसको मिला है? क्लास शतार्थी, डिविना मालोम, ग्रेटा थनबर्ग या नन ऑफ द अबव? ओके, नो प्रॉब्लम, बताइए। ठीक है, ये तो काफी फेमस भी हुआ था जिसको मिला था। नो, दिस इज नॉट कैलाश सत्यार्थी। हम बात क्या कर रहे हैं आप, ये तो देखिए इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज, वी आर सेइंग चिल्ड्रन पीस प्राइज, राइट। सो कैलाश सत्यार्थी इज नॉट अ चाइल्ड, राइट। राइट, चलिए बताइए। ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना है? यस, ग्रेटा थनबर्ग, जिसने क्लाइमेट चेंज को लेकर एक इफेक्टिव स्पीच जो थी दी थी, और उनकी जो स्पीच थी वो क्या हुई थी, वायरल हुई थी। यस, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, स्कूल की स्टूडेंट हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। विच कंट्री हैज बीन क्लियर्ड 1 बिलियन वर्थ ऑफ नेवल गन्स फॉर इंडिया? Which country has been cleared $1 billion worth of naval guns for India? Yes, the correct answer is USA. Yes, very correct. No, Vignesh, it's USA. Yes, Manish Sangwan, it's USA. Correct. चलिए, who will be the first ever women pilot for Indian Navy? ठीक है, यहाँ पे Indian count कर लीजिएगा। Who will be the first ever विमेन पायलट फॉर नेवी? और ये काफी आपका अभी न्यूज में है, काफी ज्यादा। Yes, who will the first ever women pilot for Navy? शिवांगी, ठीक है, कहां से हैं वो? बिहार से हैं।
राइट। चलिए आगे चलते हैं। वेयर विल बी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इस्लामिक कांग्रेशन अलामी तबलीगी इत्जिमा विल स्टार्ट। ये आपका कांग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट वो आपका ये कहां पर स्टार्ट होगा। किसका बता रहे हैं, जिसका भी आप बताएं आप क्वेश्चन थोड़ा सा साथ में लिखें। ये जो कल की जो भी न्यूज है, राइट, आज क्या तारीख है, 24 तारीख है, तो कल की 23 की जो भी न्यूज है, आज तो कुछ न्यूज हुई ही नहीं है, आज का तो दिन अभी स्टार्ट होगा ना, तो आज के करंट अफेयर कहां से आ जाएंगे। ये जो कल जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं उन पर बेस्ड है। उन पर बेस्ड हैं ये, ठीक है। चलिए इसका बताइए, यस भोपाल, हां कल के ही है, एग्जैक्टली प्रीतम, यानी आज के मतलब जो कल एक्टिविटीज हुई थी उनके। चलिए नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट एन आर्मी गुड विल पार्क इनॉग्रेटेड रिसेंटली विच डेडिकेटेड टू लेट नायब सूबेदार चुन्नी लाल। आर्मी गुडविल पार्क इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से में आर्मी गुडविल पार्क जो है आपका बनाया जाएगा, इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, वो आपको बताना है। यस, डोडा JK इज द करेक्ट आंसर। नो, रोहतक इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट्स डोडा JK। ओके, Which UT have achieved the highest road length in country this year? कौन सी UT ने highest road length achieve की है country में इस साल, ये आपको बताना है। Which UT have achieved the highest road length in the country? चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या पुदुचेरी। Where is the correct answer? लद्दाख, RS writes लद्दाख, जम्मू कश्मीर। Yes, correct answer प्रीतम is जम्मू एंड कश्मीर। Are you facing some lag or buffering? Any of you is facing lag or buffering? Any one of you?
Hello, Shritan. Okay. No. Okay. Fine. Fine. So, which UT have achieved the highest road length in the country this year? Jammu and Kashmir. Right? Okay. No problem. चलिए. Next move करते हैं. Where will be the 11th edition of Agrovision 2019 will be held, inaugurated by Nitin Gadkari. 11th edition of Agrovision 2019 कहां पर होगा ये आपको बताना है. श्वेता सिंह नागपुर. ओके, और लोग बताइए. करेक्ट आंसर क्या होगा? नागपुर. राइट. जम्मू कश्मीर. यस. सो करेक्ट आंसर विल बी नागपुर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच अथॉरिटी हैज बीन रिलीज्ड जल शक्ति अभियान रिसेंटली. कौन सी जो अथॉरिटी है उसने जल शक्ति अभियान रिसेंटली रिलीज किया है ये आपको बताना है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एनजीटी, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर पीडब्ल्यूडी. किस अथॉरिटी ने जल शक्ति अभियान जो है वो रिसेंटली आपका रिलीज किया है ये आपको बताना है. प्रिंस कुमार कह रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ओके. विग्नेश कह रहे हैं ए. प्रीतम कह रहे हैं ए. राइट. किसने किया है जल शक्ति अभियान रिसेंटली लॉन्च? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने. ठीक है. Yes, this is a new ministry, right? Occupation of Shaukat Kaifi who passed away on 23rd November. ये कल हम जब न्यूज कर रहे थे तब भी हमने शौकत कैफी के बारे में पढ़ा था और मैंने क्या कहा था कि this is the most important news of the day, exam perspective से, क्योंकि exam में ये पूछा जाता है. यस. राइटर शौकत कैफी. क्या ऑक्यूपेशन था? राइटर. न्यूज अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे. राइट श्वेता, पहले हम वैसे न्यूज करते थे उसके बाद हम एमसीक्यू करते थे. तो 11 एमसीक्यू हमने यहां पर देख लिए उसके बाद हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं. ठीक है. कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो? एसएससी सीजीएल की कर रहे हो या फिर किसी और एग्जाम की कर रहे हो? चलिए
आप पीछे से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से। 63rd नेशनल शॉटगन चैंपियनशिप में ओके, तो उसी हिसाब से हम लोग न्यूज करते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। नहीं, अब दोबारा करिए। एक क्या शौकत कैफी के नाम से एक ही पर्सन होगा क्या? एक बात बताइए आप प्रीतम, देयर मस्ट बी मोर देन वन शौकत कैफी, नो? सो सर्च करिए, ठीक है, कि रिसेंटली कौन न्यूज में है, किस लिए है। तो 63rd जो नेशनल शॉटगन चैंपियनशिप है उसमें आपका अनुष्का सिंह भाटी को और मानवेंद्र सिंह राठौड़ को, इनको क्या मिला है? गोल्ड मिला है, ठीक है, किस में? मिक्स्ड ट्रैप में। मिक्स्ड ट्रैप में इन दोनों को गोल्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए, स्टडी ऑफ 1 लाख इंडिविजुअल फाइंड्स व्हाई इंडियन चिल्ड्रंस आर एनेमिक, कि एक स्टडी जो है उसने ये बताया है। चलिए, एक्टर थे वैसे वो, ठीक है, बट आप मेरे को कोई भी अगर डाटा है आपके पास जिसमें लिखा वो, सॉरी, राइटर थे, ठीक है, बट कोई भी डाटा हो तो आप मुझे दिखा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट कहती है कि क्यों, बताती है कि इंडियन चिल्ड्रंस जो हैं वो क्यों एनिमिक हैं, और इसके लिए 1 लाख जो इंडिविजुअल हैं उनका डाटा लिया गया है, उनकी स्टडी की गई है, राइट। और कौन सी जो मैगजीन है उसमें ये आया है? लैंसेट, ठीक है। मोस्टली जो आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी इस तरह की वो होती है वो लैंसेट करता है। यस, राइटर एक्टर हो सकते हैं, यस एग्जैक्टली। चलिए, पेस्टिसाइड एक्सपोजर अमंग टी स्टेट वर्कर कुड अफेक्ट देयर डीएनए, की एक न्यूज आपकी आई है, एक स्टडी आपकी आई है, दैट सेज कि जो पेस्टिसाइड आप यूज करते हैं कब किसी भी चीज में, तो यहां पर टी स्टेट की बात हो रही है, यानी कि जो टी की कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, तो उन वर्कर्स को जब वो पेस्टिसाइड आपके यूज करते हैं तो स्टडी कहती है कि वो उनके डीएनए को भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए, लुकिंग एट रेटिंग एजेंसीज मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। यस, दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत छोटा सा करेगा, बहुत कम करेगा बट इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज इंडिया एंड यूएस टू साइन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी पैक्ट, ठीक है, क्या होगा उसका नाम? सेंट्रिक्स सिस्टम। कब होगा ये? दिसंबर में ये पैक्ट होगा, ठीक है। आज संडे है तो आज बहुत कम न्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है। पेशेंट विद रेयर डिजीज वेट फॉर सपोर्ट एप्लीकेशन अबाउट 190 स्टूडेंट सीकिंग ट्रीटमेंट 190 patients seeking treatment aid await the approval of health ministry, कि financial supports उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो आज क्या है कि आज संडे होने की वजह से जो आपकी न्यूज है वो आपकी बहुत कम है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा न्यूज आज आपकी नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश मोहल्ला क्लिनिक्स टू बी पेपरलेस एंड हाईटेक, कि आपके जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए गए हैं उसी बेस पर आपके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में भी जो मोहल्ला क्लिनिक है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, और जो मध्य प्रदेश वाले मोहल्ला क्लिनिक्स होंगे वो कैसे होंगे? आपके पेपरलेस होंगे, ठीक है, और सारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें यूज की जाएगी, ठीक है। यहां पर जो फोटो लिया गया है वो आपका दिल्ली का लिया गया है, दिल्ली के यमुना बाजार एरिया का वो मोहल्ला क्लिनिक है, ठीक है। जयंती श्रीवस्तन परफॉर्म्स एट आईआईसी कॉन्सर्ट, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इनका नाम देकर कि इनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये क्या है? भरतनाट्यम डांसर है।
क्या है, भरतनाट्यम डांसर है। सुप्रीम कोर्ट बेंच विल हियर प्लेया एट 11:30 AM टुडे, कि जो एनसीपी कांग्रेस एंड शिवसेना है उन्होंने मिलकर एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि उन लोगों का कहना है कि जो देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है या जो ओथ ली है वो आपकी क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उनके पास फुल सपोर्ट नहीं है, उनके पास मेजोरिटी नहीं है। इसीलिए क्या किया गया है, इन तीनों ही पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो पिटीशन है उसको फाइल किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज 11:30 पर इस केस को सुनेगी, इस प्लिया को सुनेगी। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी आज की न्यूज। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है और आप जो आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको आप, वैसे वो राइटर एक्ट्रेस दोनों थी, ठीक है, और जो आप आपको उसमें भी देखेंगे आप क्या कहते हैं द हिंदू में जो है कटिंग, उसमें भी एक्टर राइटर लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे तो अगर आपका ऑप्शन जो है वो एक्टर राइटर दोनों नहीं आएगा, लेट्स सपोज उस पर दोबारा चलते हैं हम लोग, राइट, एक्टर और राइटर जो है, यस मी टू, राइटर और एक्ट्रेस जो है आपका वो दोनों नहीं आएंगे, बट अगर दोनों आते हैं ठीक है तो उसके आपको सभी को मार्क्स मिलेंगे, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, बट राइटर और एक्ट्रेस में से एक ही ऑप्शन आपका आएगा, राइट। चलिए गाइस, तो टेलीग्राम जो चैनल है हमारा वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और डेली 9 AM पर ये सेशन होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग डेली आ सकें और इसको हैबिट में अपनी डाल सकें। ठीक है, चलिए फिर इस सेशन को हम लोग रैप अप करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कल 9 बजे। चलिए, थैंक्स अ लॉट।